दिल्ली में आतिशी मरलिना के अभद्र चर्चे बटने की चर्चा हुई तो केजरीवाल एंड कंपनी ने बिना कुछ सोचे समझे गौतम गंभीर का नाम उछालना शुरू कर दिया। शिकायतों के लिए दरवाजे दरवाजे पहुंच गए और चुनावी टक्कर गौतम गंभीर से है तो गौतम को बेइज्जत करने के लिए उनकी नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अभद्र पर्चे आतिशी के बटे हैं, छवि आतिशी की खराब हुई है और केजरीवाल इसमें सियासी फायदा ढूंढने निकल पड़े हैं। किसी को नहीं पता पर्चे कहां से आए और किसने बंटवाए, लेकिन केजरीवाल के लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है। इसी वजह से वो फौरन गौतम गंभीर को विवाद में घसीट लाए। केजरीवाल बीजेपी का नाम भी ले सकते थे, आरोप लगा सकते थे, जांच की मांग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनके टारगेट पर आए सीधे गौतम गंभीर, क्योंकि केजरीवाल को लगता है गौतम गंभीर को बदनाम करके वो पूर्वी दिल्ली की सीट जीत सकते हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने फौरन ट्वीट पर ट्वीट किए और केजरीवाल को करारा जवाब जड़ दिया। पहले उन्होंने केजरीवाल से दिमाग की गंदगी साफ करने की बात कही और फिर इतने भावुक हो गए कि ट्वीट पर लिख दिया, अगर आम आदमी पार्टी आरोप साबित कर देगी तो वो जनता के सामने फांसी लगा लेंगे। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बिना किसी तथ्य बिना किसी सबूत के वो जिस गौतम गंभीर पर आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या बीतेगी। उन्हें तो बस यही आता है, आरोप लगाओ और जब वक्त निकल जाए तो भाग लो या माफी मांग लो। कई बार पहले भी वो लोगों से माफी मांग चुके हैं और हो सकता है चुनाव खत्म होने के बाद गौतम गंभीर से भी माफी मांग लें, क्योंकि केजरीवाल क्या करते आए हैं ये सबको पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक महिला के खिलाफ हुए अभद्र व्यवहार को भी चुनाव में भुनाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।